થી રિલાયન્સ જીઓ ની ફ્રી ડેટા અને કોલિંગ સેવા વાપરવા ઈચ્છતા હોવ તો આ જુગાડો વિડીયો જોઈ લો જે થયો છે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ। और हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें 4G की सिम कार्ड कैसे वर्क करेगी, हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। सबसे पहले मैं इस मोबाइल का स्पेसिफिकेशन GSM Arena पे दिखा देता हूँ एक बार। Redmi Note है और इसमें देख लीजिए GSM और HSPA केवल 2G और 3G को सपोर्ट करता है। अब आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जियो की सिम कार्ड इसमें कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम सिम कार्ड डाल लेते हैं। फिर देखिए हमने जियो की सिम कार्ड इसमें इंसर्ट कर दी और जियो की सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद में नेटवर्क नहीं आ रहा है और इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फोन डायलर खोलना है और उसमें डायल करना है *H*H*4636*H*H*। उसके बाद में एक विंडो खुलेगी टेस्टिंग वाली, उसमें फोन इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फोन इंफॉर्मेशन में जाके जाने के बाद में यहाँ पे दिखेगा आपको सेट परफेक्ट नेटवर्क टाइप। तो इसमें बहुत सारे मोड आएंगे, WCDMA, GSM, ऑटो, CDMA, LTE। तो हमें LTE GSM ऑटो पे क्लिक करना है। उसके बाद में इमरजेंसी कॉल LTE GSM करने पर भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना है और नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क में जाना है। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद में नेटवर्क करियर में जाना आपको, और नेटवर्क करियर में ऑटोमेटिकली की जगह आपको मैनुअली चूज करना है। मैनुअली सर्चिंग हो रहा है। और सर्चिंग होने के बाद में इसमें सारे 2G 3G के नेटवर्क आ रहे हैं। एक नीचे रिलायंस 4G का राजस्थान का नेटवर्क आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। ये नेटवर्क रजिस्टर्ड होने तक वेट कीजिए। कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, अगर इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा आपका तो थोड़ी देर वेट कीजिए। મોબાઈલ કંપનીઓ પણ ન જાણી શકે તેવા ફીચર્સ નેટિઝન્સ શોધી રહ્યા છે। જો તમારે પણ મોબાઈલ હેન્ડસેટની સમસ્યા હોય તો તમારા માટે આ સમાચાર વધુ ઉપયોગી છે।